प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर एंकर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्टों की भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील हम सबकी चहेती हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया इलाही खान जी। तो ये वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग होगी उतनी दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। बिन सलमान के खिलाफ तुम अरब में भाषण दे करके दिखाओ, औकात नहीं है अवैसी की, औकात नहीं है, 10 पैसा की औकात नहीं है अवैसी की कि अरब में हज करने जाता है ना, मुंह झुका करके जाता है और टट्टू की तरह मुंह झुका करके वापस आता है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान से ये नहीं कहता है कि हम भी चिल्ला रहे हैं गधेड़े की तरह फलस्तीन और हमास के समर्थन में। अरे भैया, शेरवानी पहन करके तुम फलस्तीन चले क्यों नहीं जाते हो? 2-4 बलात्कार अवैसी तुम भी कर लो, अल्लाह अकबर के नारे पर और नारे तकबीर के नारे पर तुम भी कर लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। ऐसे भी घर में 2-2, 3-3 बीवी है तुम्हारी। तो ये जो मुसलमानों का राग है ना, ये मुसलमान मर्दों का राग है कि भाई यहाँ यहाँ बहुत सांप्रदायिकता है, यहाँ हिंदुओं को बहुत, हिंदू जो है वो मुसलमानों को बहुत परेशान कर रहे हैं। कहाँ परेशान कर रहे हैं भैया? अभी नावेद और साजिद ने 2 मुसलमान बच्चों की बोटियां कर डाली रमजान में दारू पी करके। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 2 मासूम बच्चे जो 1 9 साल के थे और 1 6 साल के थे, उन्होंने आपके प्रॉफिट को गाली दी, उन्होंने आपके आपके कलमे को गाली दी, उन्होंने आपके नमाज को बंद कराने की कोशिश की, उन्होंने उन्होंने आपके इस्लाम को गाली दी, क्या दिया? वो 9 साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा ऐसा क्या कर डाला कि नावेद और साजिद ने उसके उसकी बोटियां कर डाली? बहुत गलत है। तो अत्याचारित तो हिंदू हो रहा है भाई भारत में, अत्याचार तो हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। अभी देखिए, दारुस्सलाम ने हैदराबाद में टी राजा के क्षेत्र में कह दिया है कि यहाँ शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, राम भक्त नहीं निकलेंगे। तो भारत क्या तुम्हारे बाप का है क्या? मुसलमानों, भारत जिन्ना का है या भारत लियाकत का है? किसका है भारत? भारत हिंदुओं का। कांग्रेस के जमाने में बाबर के टूम पर विजिट करने वाला, बाबर के कब्रिस्तान पे नेहरू ने विजिट किया था 1959 में, इंदिरा गांधी ने विजिट किया था 1960 में, राजीव गांधी ने विजिट किया था 1976 में, राहुल गांधी ने विजिट किया था 2005 में। तो कांग्रेस के जमाने में गांधी परिवार ने बाबर के प्रति इतनी मोहब्बत दिखाई, तो क्या हिंदुओं ने गला का, हिंदुओं का गला कटना बंद हो गया, या श्रद्धा का बलात्कार होना बंद हो गया, या साक्षी का बलात्कार होना बंद हो गया, या सुजन जॉर्डन का बलात्कार होना बंद हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ। हिंदू आज भी अत्याचारित ही हो रहे हैं। देखिए शैला, मैं कभी नहीं कहूंगी कि इस्लाम बुरा है, मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह सकती हूँ शैला। हर एक धर्म वालों का अधिकार है कि वो अपने अपने धर्मों का पालन करे, लेकिन कोई भी किसी के भी धर्म को बुरा नहीं बोल सकता है, या उसको बेइज्जत करने का हक किसी को किसी ने नहीं दिया है। अब आप मुझे बताएं कि 1949 में गांधी जी ने कहा कि उन्होंने कुरान पढ़ा, और वो कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई किताबें प्रॉफिट मोहम्मद को समझने के लिए उन्होंने पढ़ी है। ये 1949 में गांधी जी ने कहा, और कई बार कहा, कई जगह अपनी स्पीच में ये बात कही। इवन 1 अप्रैल 1946 में वाल्मीकि मंदिर में उन्होंने आयतें पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था, आयतों को पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज देखिए, गांधी जी कहते हैं कि उनके कहे हुए रास्ते पे चलो। उनके वाल्मीकि मंदिर में जब उन्होंने आयतें पढ़ी तो गांधी जी की तो हत्या नहीं हुई ना, लेकिन जामा मस्जिद में जाकर के क्या श्रीमद् भगवत गीता गांधी जी क्यों नहीं पढ़े? जरा पढ़ के दिखाते, जरा पढ़ना चाहिए था ना। हम भी समझते कि गांधी जी सब धर्मों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और देखिए आज क्या हो रहा है। अल्लाह ताला नाराज होना कि खुश होगा, और खुश
सोचिए कि दिवाली मनाने से शैतान खुश होता है और होली मनाने से शैतान खुश होता है। तो मुझे ये समझना है कि चलिए मैंने मान लिया इस्लाम बहुत शांति का और पीस का और सुकून का और बहुत खूबसूरत मतलब मजहब है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि ISI किसने बनाया, बोको हरिम किसने बनाया, अलकायदा किसने बनाया, तालिबान किसने बनाया, अल शहबाब किसने बनाया, पाकिस्तान, इराक, सोमालिया, यमन, सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान में वायलेंस किसने किया, अभी कुछ महीने पहले इजराइल की बहु बेटियों को नारे तकबीर के नारे पर नंगा और बलात्कार किसने किया, नासर खान ने सुजर जॉर्डन के कपड़े क्यों उतारे, आफताब ने श्रद्धा को 2 साल सेक्सुअली अब्यूज करने के बाद उसकी बोटियां 35 बोटियां काट करके फ्रिज में क्यों रखा। होली मनाने से शैतान खुश होता है, दिवाली मनाने से शैतान खुश होता है और अल्लाह नाराज होता है, पर ISI अलकायदा लश्कर तैबा बनाने से अल्लाह बहुत खुश होता है क्या? मुसलमान लौंडा पैंट के जिप खोल करके हिंदू सनातनी बेटियों का बलात्कार करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है क्या? मुसलमान लौंडे जब नाजिया इलाही खान को प्रोस्टिट्यूट और गंदी गंदी गालियां देता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है क्या? क्योंकि ये मौलाना साहब तो साफ कह रहे हैं भैया कि होली दिवाली मनाने से शैतान खुश होता है और अल्लाह नाराज होते हैं, पर जितने भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है वो मानने वाली बात है कि वो मुसलमानों ने बनाया है जिहाद के नाम पर, तो उससे अल्लाह खुश होता है क्या? तो ये किसको सिखा रहा है, ये किसको सिखा रहा है? गांधी जी ने कोशिश की मंदिर में कुरान की आयतें पढ़ करके, पर गांधी जी की भी औकात नहीं थी कि वो मस्जिद में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ करके दिखाते, क्योंकि गांधी जी को भी पता था कि समूचा वापस नहीं निकलेंगे मस्जिद से, सर धड़ से जुदा वहीं हो जाएगा, वहीं पर लग जाएगा नारे तकबीर गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, यो 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 सरतन से जुदा, सरतन से जुदा वही हो जाएगा। लेकिन गांधी जी ने पूरी चेष्टा की हिंदुओं को कंट्रोल करके अपनी मुट्ठी में रख करके हिंदुओं पर अत्याचार करवाने की मुसलमानों के हाथों से, गांधी जी ने पूरी कोशिश की। लेकिन अब माधवी लता जैसी औरतें, नाजिया इलाही खान जैसी औरतें और निर्मला सीतारमन जैसी औरतें और स्मृति ईरानी जैसी औरतें, कंगना रनावत जैसी औरतें, मुसलमानों की लफंदरबाजियां और मुसलमानों के यो 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 सरतन से जुदा का जवाब बहुत अच्छे से आता है देना, बहुत अच्छे से आता है। नाजर जी, यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि जिस तरह दुनिया एजुकेशन डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, जिस तरह गल्फ कंट्रीज भी खुद को इम्प्रूव कर रही है, उसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के कुछ जो लोग एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा सख्ती दिखाना किसी और रिलीजन के लिए, ज़्यादा नफरत भरना, तो आपको पता है सोशल मीडिया का एक ज़माना है और उसमें हर चीज़ फट से, जैसे आपने एक वीडियो मौलाना की दिखाई, हालांकि वो क्लास में पढ़ा रहे थे लेकिन उनका ये वीडियो वायरल हो गया। तो मैं ये कहूँगी कि जितने भी त्यौहार हैं, जैसे आपकी बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि किसी मज़हब को कोई राइट नहीं है वो किसी की डिसरिस्पेक्ट करें, हाँ लेकिन आप सीखो ज़रूर, आप लर्निंग करो और देखो कि सामने वाले रिलीजन को आखिर आपसे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा रहा है। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और जो लोग आपको थ्रेट करते हैं मैं उनसे ये कहूँगी कि आप एक दफ़ा ज़रा इकरा पढ़ के देखें, एजुकेशन की तरफ जाएं, और जो आपको सही तरफ लेके जाता है इट डजंट मीन कि वो आपके अगेंस्ट है। सो बहुत अच्छा लगा मैम आज का शो आपके साथ करके, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। नमस्कार, दुआ में याद रखें। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे भारत की बेटी नाजिया इलाही खान जी ने अपनी बुलंद आवाज में कहा कि भारत देश में हिंदू पे ही अत्याचार हो रहा है और भारत में हिंदुओं के ऊपर ही संतन से जुदा के नारे लगते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।